इतने अंधेरे में मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। कोई साया था, कुछ था, इस तरह की वीरानों में हुआ करते हैं इस तरह की चीजें। नहीं, इमोशनल नहीं होते, मैं आ गया ना वापस। यार ये देखो इतने सारे गिफ्ट्स माशाल्लाह से मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं जा रहा हूँ कराची से क्वेटा बाय रोड और अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, तनो तनहा मैं और मेरा खुदा, बाकी और कोई नहीं। इस वक्त मैं मिस कर रहा हूँ अपने दोस्तों को जो मेरे साथ होते थे हमेशा। मैं सोचता था कि यार ट्रैवल करते हैं तो कितना मजा आता है, लेकिन इस दफा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अभी आगे जाके मैं पेट्रोल डलवाऊंगा। कहाँ रोड पे रुक रहे हो भाई? अजीब इतने जाहिल लोग यार, हाईवे पे कैसे अचानक इसने ब्रेक कर लिया। यार ये हब चौकी जो ब्रिज है ये टूट चुका है। मैं हैरान यार, हमें यहाँ नीचे से जाना पड़ रहा है, ब्रिज टूट चुका है इसलिए सब ख्वार और जलील है बेचारे पानी की वजह से। ओ भाई ट्रैफिक देखो, ओहो यार मतलब इतना बड़ा ब्रिज टूट चुका है तो इसका मतलब है पानी भी बहुत प्रेशर से आ रहा होगा उस वक्त। अंदाजा नहीं है भाई, बहुत तेज पानी आया होगा। यार इस मस्जिद में अक्सर मैं, बाला, जंगी, हम लोग अक्सर जब साथ में ट्रैवल कर रहे होते थे तो इस मस्जिद में रुक कर हम नमाज़ पढ़ते थे। अब मुझे उनकी याद आ गई। बाला जंगी तुम लोग देख रहे हो, मैं इस वक्त तुम लोग के ना होने पे बहुत ज़्यादा सैड हूँ। सफ़र शुरू करते हैं भाई। यार मैं पहुंच गया विंदर एरिया। यहाँ मैंने सुना है एक बहुत मशहूर लस्सी वाला है, इससे मैंने सोचा कि लस्सी भी पी लें। बहुत मजे की लस्सी है यहाँ की भाई। तो भाई जिसका मैं कह रहा था वो ये है। ओह मजा आएगा। वाओ फिर से सफर की दुआ पढ़ के सफर स्टार्ट करते हैं। ओके मेरी अम्मी मेरा बहुत वेट कर रही है क्वेटा में। अच्छा गाना स्टॉप हो जा। स्टॉप हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे रवाना हो रहा हूँ। अभी लसबेला क्रॉस किया मैंने और यहाँ गाड़ी बता रही है कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है। कराची में 30 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम था, लसबेला में 29 है। यार बहुत भूख लग रही थी और फाइनली रास्ते में मुझे दाल मिल गई, लेकिन यार ये ट्रस्ट मी बहुत मजे का बना हुआ है। यार वहाँ शहर के पंप्स पे मुझे भरोसा नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं वो इस लेन पे बहुत वाकिफ़ है, उसने मुझे बोला कि फिलहाल फिलहाल पंप से डालो तो उसका गेज बहुत अच्छा है, वो धोखे नहीं करते। वट एरिया में जो है टेम्परेचर 22 है। अभी एक बीच में रुका हूँ, बिल्कुल अंधेरा है और मैं हूँ, मेरी तन्हाई है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। डर लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा है भाई। यार अब इस तन्हाई में मैं पढ़ूंगा नमाज, जा नमाज मैंने बिछा लिया है और तन्हाई में नमाज पढ़ने का मजा अलग है भाई। गाड़ी बंद कर देता हूँ। यार खुशदार पहुंच गया हूं मैं, और कराची में तो इतनी गर्मी थी कि मैं एसी ऑन किया था, यहाँ तो भाई बहुत सर्दी है। और अभी मैंने सिर्फ हाथ धोने के लिए पानी थोड़ा सा यूज़ किया है, पानी इतना ठंडा था कि बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। ओह भाई बहुत सर्दी है, जल्दी से गर्म गर्म चाय मंगवाऊँ। गाड़ी में जल्दी से आके बैठ गया मैं, बर्दाश्त नहीं हो रही भाई, सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई अचानक से। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, अभी हाथ धोए मैंने, हाथ यहाँ अकड़ गए मेरे। गरम गरम चाय, अब मजा आएगा भाई। यार गरम चाय पीने का मजा तब आता है जब जगह जो है ठंडी हो।
बहुत डीप अंधेरा है, बिल्कुल इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करूं तो बिल्कुल पास की कोई चीज भी हो वो भी नजर ना आए। तो इतने अंधेरे में मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ और अभी मुझे थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डर लगा, पता नहीं कोई साया था कुछ था, लेकिन खैर इस तरह की वीरानों में हुआ करते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं फौरन से वापस गाड़ी में बैठ गया और एकदम से स्पीड पकड़ी है मैंने। लेकिन उसके बाद से ये कुछ फील हुआ कि यार कुछ तो था, चलो अल्लाह खैर करेगा। अकेले सफ़र करने के कुछ नुकसान, बंदे को खुद ब खुद साए दिखना शुरू हो जाते हैं और वैसे भी सेफ नहीं है, तो अकेले कभी ट्रैवल मत किया करो। यार एक तो अंधेरा है, ऊपर से मैं अकेला हूँ और साउंड क्या प्ले हो गया। देखो आज मैं ना सिर्फ कराची से कोयटा का सफर तय कर रहा हूँ बल्कि मैं एसी से हीटर का सफर तय कर रहा हूँ और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का सफर तय किया है मैंने। यार ट्रस्ट मी, अभी मैंने एक सेकंड के लिए शीशा नीचे किया तो बाहर की जो हवा है ना वो इस वक्त इतनी ठंडी हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। नहीं होते मैं आ गया ना वापस। अरे मेरा बच्चा कैसे हो यार? हाय बोलो मेरे फैंस को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बड़ा मजा आया अपने घर में। काफी टाइम बाद मैं आया था, रात में सो गया और सोते साथ मैंने देखा ओ शाहिब भाई क्या हाल है, इनाटक कर रहे हैं, रात में मिल चुका था मुझसे। बहुत आए हो, बहुत मिस किया तुम्हें, किधर शाटते तुम? यार बस वही भी अपने काम वाम में मसरूफ थे यार। ओ माई गॉड ये क्या शाहिब, ये क्या गिफ्ट है भाई YouTube की तरफ से? अरे मैं बाहर था, मुझे पता नहीं है ये मेरे लिए गिफ्ट वगैरह है। भाई सबसे पहले YouTube की तरफ से जो गिफ्ट आया है वो चेक करते हैं क्या है शाहिब। ओह माय गॉड ये मेरा पता नहीं, इसका सर ना तोड़ दूं मैं। बॉटल है YouTube की तरफ से, YouTube लोगो है इस पे, एक कैप है, ये लो पहनो तुम, तुम्हारे लिए सही है ये, इसको पहनते हैं। यार ये मेरे एक फैन ने मुझे भेजा है, बहुत सारे थे माशाल्लाह। यार कितने सारे गिफ्ट्स हैं मेरे, इतने सारे गिफ्ट्स हैं, इसमें तुम एक दुकान खोल लो। क्या आइडिया है यार, इतने सारे गिफ्ट्स, क्यों ना मैं एक शॉप खोल लूं, बासितरिन शॉप। वाह यार, अच्छा यार थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका यार। मेरे इतने सारे फैंस हैं, कराची में इतने सारे गिफ्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं और कोयटा में इतने सारे गिफ्ट्स, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये सब आप लोगों का प्यार है, बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, करें ना यार सब्सक्राइब। सबसे पहले रेड, ओह भाई परफ्यूम, ओह माय गॉड यार थैंक यू यार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी सी इसकी पैकिंग। परफ्यूम की खुशबू खराब कर दी इसने, खत्म। वाकई में यार ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत जबरदस्त है। ये खोलते हैं, चलो शाहिब कह रहे हैं ये खोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। ये पर्सनल है भाई, ये फैंस की तरफ से आते हैं, उनका प्यार है, मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। ये शाहिब के लिए आया है भाई, ये शायद फैमिली के लिए भेजे हैं, थैंक यू सो मच मेरे फैमिली की तरफ से। ओ भाई बहुत महंगा लग रहा है यार, सूट ब्लैक शॉल है। मेरी अम्मी दूसरे देख के खुश हो रही है, क्या कप है
वाह भाई कॉफी मग यार, इस तरह की दो भेजे फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया यार फैमिली की तरफ से। फिर से मग बहुत भारी है। खोलो डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। कौन सा डब्बा खोले? वाओ समथिंग ट्रेडिशनल वाओ बी चलो इसको खोलते हैं हम ही। खोलो वॉलेट। वॉलेट है भाई, क्या प्यारा वॉलेट है। अच्छा भाई सलमान खान ब्रेसलेट यार, बहुत दिल से शॉपिंग की है मेरे लिए यार, थैंक यू सो मच। ओए छोटा सा ब्रीफ केस है। वाह भाई इसमें क्या है? ओ स्टड्स हैं, थैंक यू सो मच यार। ये खोलो फिर से छोटा सा ब्रीफ केस, इसमें क्या होगा? ओहो फिर से स्टड्स, इसको देखते हैं अभी। वाह भाई वाह, डायरी ये मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ये अकेले में पढ़ूंगा। हुँ? यार इसमें बहुत सारे शेर शायरी लिखे हैं। ये देखो इसमें भी। ये खोलो शादी यार, बहुत प्यारा फ्रेम है, पता नहीं क्या होगा इसमें, जो भी हुआ वो मेरे। तुम्हारा क्यों? बस मैं को नहीं भाई, मेरे फैन की चीजें मैं तुम्हारे लिए सेम वैसा लूंगा, लेकिन जो फैंस इतने प्यार से भेजते हैं वो मैं अपने लिए रखूंगा। ओहो जैकेट्स वगैरह यार, कैप, गुच्ची, सॉक्स, रुमाल, बनीन, बनीन भी भेजे। हाँ भाई वाह, मफलर है और मफलर पे भी लिखा है यार, बहुत दिल से भेजे हैं, थैंक यू सो मच अगेन। ये सर्दियों का पैक था, इसमें सर्दियों के सामान हैं सारे। तुम क्यों रहे? क्यों आपका क्या है? क्यों आपका क्या है? मेरा ये थक गया यार, इतने सारे गिफ्ट्स कौन बेचता है भाई? ओहो यार कुशन है मेरे नाम का यार, बहुत मेहनत लगी है, मुझे लगता है इन सब में बहुत मेहनत लगी है भाई। कोलो शादी कोलो, चलो तुम कोलो। रहने दे भाई, रहने भाई भाई, भाई रहने दे, रहने दे। ये तुम प्यासे रे शाज़िम। चलो ये कोलो शाज़िम। रहने दे भाई रहने दे। ओ हो हे हाउ आर यू? बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। पेन वाह भाई वाह, वॉलेट, की चेन। स्टार्ट यार ये खोल दे। डब्बे में डब्बा, एक और डब्बा। उफ, अगेन इसमें कुछ खास हो गया। उफ, अगेन। वाह भाई, अगेन। एक और। ये अच्छा गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए यार, बहुत टाइम से तुम मांग रहे थे ये चीज। ये क्या यार, इतनी ख्वारी से मैंने खोल लिया इतना सारा। ये देखो डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में फीडर। भाई मेरे साथ प्रैंक हुआ है भाई, गिफ्ट खोलते खोलते मेरे साथ एक प्रैंक भी हुआ है। चलो भाई होता है। यार ये रूम की हालत क्या कर दी मैंने यार, ये देखो इतने सारे गिफ्ट्स माशाल्लाह से मैंने रैप्स खोलते खोलते पूरा रूम गंदा कर दिया। ओके यार थैंक यू सो मच, सारे जितने भी मेरे फैंस हैं सब मुझे बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं मुझे पता है, और हमेशा ऐसे ही रहना साथ। और स्पेशली जो है जिस फैन ने ये गिफ्ट सारे भेजे हैं वो किसी एक नहीं भेजे हैं, इतने सारे इतना बड़ा बॉक्स भर के भेजा है, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थैंक यू सो मच। बाय, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना।